दोस्तों, अगर आप लैपटॉप या पीसी यूजर हैं तो दोस्तों आपने टास्क मैनेजर का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों, टास्क मैनेजर विंडो 10 की एक एडवांस टूल है जो कि आपको विंडोज 10 के साथ देखने को मिल जाता है। दोस्तों, टास्क मैनेजर के द्वारा आप अपने विंडो या पीसी के एप्लीकेशन टैब को मॉनिटर, प्रक्रिया और काम करने की सर्विस को देख सकते हो। और दोस्तों, आप टास्क मैनेजर के द्वारा यह भी देख सकते हो कि किस प्रोसेस के कारण, किस एप्लीकेशन के कारण आपका जो पीसी है वो स्लो हो गया है। और दोस्तों, अगर आपने एक बार जान लिया कि किस एप्लीकेशन या किस प्रक्रिया के द्वारा आपका पीसी स्लो हो गया है तो आप उसे आसानी से सुधार सकते हैं और आप आसानी से अपनी कंप्यूटर या पीसी की जो स्पीड है वो बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, जानने के बाद आप उस हैवी लोड वाले एप्लीकेशन को या प्रक्रिया को डिसेबल कर सकते हैं जिससे कि आपका जो पीसी है उसका स्पीड बढ़ जाएगा। दोस्तों, इसके द्वारा आप आसानी से पता लगा पाएंगे कि करंट में, वर्तमान में कौन कौन से ऐप हैं जो कि आपके पीसी में रन कर रहे हैं। तो दोस्तों, बात आती है कि आप कौन कौन तरीके से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, जानने के लिए कि आप किस किस तरीके से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। मैं इस वीडियो में आपको 6-7 तरीके बताऊंगा जिससे कि आप टास्क मैनेजर को आसानी से ओपन कर सकेंगे। दोस्तों, मैं 6-7 तरीके से ओपन करूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि आप जब अलग अलग तरीके से ओपन करोगे तो ये अलग अलग तरीके से काम करेंगे, नहीं, यह केवल एक ही तरीके से काम करेगा। दोस्तों, यह एक ट्रिक है जिसके द्वारा कि आप आसानी से टास्क मैनेजर को ओपन कर सकते हो। आपको जो पसंद आए आप उस तरीके से टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मैं हीरा सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल टेक्निकल हीरा में। तो दोस्तों, चलिए जान लेते हैं कि हम टास्क मैनेजर को किन किन तरीकों से ओपन कर सकते हैं और हम उसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तरीका तो आप सभी को पता होगा कि आप सेटिंग के द्वारा टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, टास्क मैनेजर ओपन करने के लिए आप अपने डिवाइस की सेटिंग में जा सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको विंडोज पर प्रेस करना होगा और यहाँ से, या तो आपको यहाँ पर डायरेक्ट सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा या यहाँ से आप सेटिंग का ऑप्शन देख सकते हो। ये आप इन दोनों में से प्रेस करोगे तो आप वहीं पर जाओगे। दोस्तों, आप किसी भी को प्रेस कर आप सेटिंग के अंदर जा सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आपको फाइंड ए सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टास्क मैनेजर सर्च कर देना है। अब दोस्तों, यह आप खुल जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऐप है जो सीपीयू को ज़्यादा यूज कर रहा है, जैसे कि OBS स्टूडियो हो गया और अभी टास्क मैनेजर हो गया जो कि यूज कर रहा है लेकिन कम कर रहा है। और यहाँ से आप बहुत सारे देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ से आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, ऐप स्टोरी देख सकते हैं, स्टार्टअप देख सकते हैं, यूजर्स की कौन यूजर है, सर्विस देख सकते हैं और बहुत कुछ देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस तरह इसमें आ सकते हैं। पर दोस्तों, जो यह तरीका है आपके लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है कि पहले सेटिंग को ढूंढो, फिर इसके बाद आपको टास्क मैनेजर ओपन करना होगा और इस तरह यह आपके लिए बहुत परेशानी वाला हो सकता है। दोस्तों, जो अगला ट्रिक है वो आपके लिए कुछ सरल हो सकता है। तो दोस्तों, अब दूसरा ट्रिक कि आप यहां से डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं टास्क मैनेजर और इसके द्वारा आप आसानी से टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं सर्च कर देता हूं। आप देख सकते हैं कि यहां पर टास्क मैनेजर सी बीव रिजल्ट और यहां पर आपको कंट्रोल पैनल दोनों में से ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक कर आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यह जो टास्क मैनेजर है ओपन हो चुका है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम उसी तरह ओपन देख सकते हैं जिस तरह की हमने शुरू में किया था। दोस्तों, जब भी हम किसी भी तरीके से ओपन करेंगे तो हमें इसी तरह का देखने को मिल जाएगा और हम उसी तरह यूज कर सकेंगे।
अब दोस्तों तीसरा तरीका कि आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट को एक साथ प्रेस कर आप टास्क मैनेजर में जा सकते हो। दोस्तों जब आप कंट्रोल अल्ट और डिलीट को एक साथ प्रेस करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको लॉग, स्विच यूजर, साइन आउट, चेंज ए पासवर्ड और टास्क मैनेजर ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ से आप टास्क मैनेजर में प्रेस कर आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर में जा सकते हो। आप देख सकते हैं कि आप टास्क मैनेजर में आ चुके हो। दोस्तों इस तरह आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। चौथा तरीका कि आप एक साथ कंट्रोल शिफ्ट और एस्केप को एक साथ प्रेस कर आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों आप देख सकते हैं टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है और यहां से आप गणना कर सकते हो। अब दोस्तों पांचवा तरीका कि आप विंडो और आर को एक साथ प्रेस कर आप कमांड मोड ओपन कर सकते हैं और यहां पर आप टास्क MGR शॉर्ट की लिख कर यहां पर आप उसे सर्च कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहां पर सर्च कर देता हूं। अब इसके बाद यहां पर MGR मैं सर्च कर देता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जो टास्क मैनेजर है वो ओपन हो चुका है। तो दोस्तों आप इस तरह भी टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों छठवां तरीका कि आप विंडो आइकन पर जाकर राइट क्लिक कर आप डायरेक्ट टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों मैं विंडो ऑप्शन पर आ चुका हूँ। यहाँ पर आप विंडो आइकन दिख जाएगा। आपको डिवाइस में जहाँ भी विंडो आइकन दिखे आप वहाँ पर आप राइट क्लिक कर सकते हो। जब आप राइट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा जिसे कि आप प्रेस कर डायरेक्ट टास्क मैनेजर में जा सकते हो। दोस्तों आप देख सकते हैं कि टास्क मैनेजर ओपन हो चुका है। इस तरह आप टास्क मैनेजर इस तरीके से ओपन कर सकते हो। अब दोस्तों टास्क मैनेजर ओपन करने का सातवां तरीका कि आप विंडो एक्स को प्रेस कर आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। दोस्तों यहां पर जब आप विंडो और एक्स प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहां पर आपको यह टास्क मैनेजर का ऑप्शन दिख जाएगा। इसे आप प्रेस कर टास्क मैनेजर ओपन कर सकोगे। तो दोस्तों ये था कुछ ट्रिक जिससे कि आप टास्क मैनेजर ओपन कर सकते हो। दोस्तों अगर कोई ट्रिक मुझसे छूट गया है तो आप नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। और दोस्तों इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियो से जुड़े रहने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं जल्द ही एक नए वीडियो में, एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।